हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला भाजी, तिवरा भाजी की मैं आज रेसिपी बता रही हूँ। तिवरा भाजी कैसे बनाते हैं? तो अभी क्या है, ठंड का मौसम है और ये सीजनली है, ये ठंड के सीज़न में ही आता है। तो और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आज इसकी रेसिपी आप सबको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस भाजी को धो के, देखिए मैंने रख लिया है, थोड़ा सा इसका पानी निकलने देंगे। फिर उसके बाद इसको एकदम बारीक काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसा काटेंगे, मतलब इसको कि इसमें से पानी निकल जाए तभी इसका स्वाद आता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि इस भाजी को ऐसा काटो कि इसमें से पानी छूट जाए। देखिए पानी पानी भी दिख रहा है, यहाँ पर पानी निकल आया है इस तरीके से। और इसमें आप चाहो तो एक बैंगन डाल सकते हो भाटा, और ये क्या है और स्वाद बढ़ा देता है भाजी का। और चने की दाल, चने की दाल में बना सकते हो, मसूर भी डाल सकते हो और तुअर दाल भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इस चने की दाल को कढ़ाई में डाल दी हूँ, ये थोड़ा सा पक जाए। उसके थोड़ा सा बाद ये भाजी को कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा दाल पक चुका है। और ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला भाजी है, तो आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा और स्वादिष्ट बनेगा। अब मैं देखिए भाटा जो काट के रखी थी उसको डाल दी, और इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लगता है। बस इसमें हल्दी डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे और टमाटर। टमाटर ये भाटा और भाजी थोड़ा सा पक जाए उसके बाद टमाटर डाल देंगे। तो और इसको थोड़ी देर ढक देंगे, थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। और आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो, क्योंकि कुकर में और जल्दी होगा। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी अब निकल आया है, तो बस इसको अब ढक देंगे और 20 मिनट के बाद ये पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है? मैं बीच बीच में रेसिपी बताया रही हूँ, अभी अभी चालू की हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली देखिए ये हमारा भाजी पक गया है। अब बस इसको थोड़ा सा और रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा पानी है, पानी सूख जाए फिर मैं फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए हमें चाहिए देखिए लहसुन 6-7 कलियाँ और 2-3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं, मेरे पास खड़ी लाल मिर्ची अभी नहीं है, तो फिर मैं हरी मिर्ची से कर रही हूँ। आप लाल मिर्ची, खड़ी लाल मिर्ची से करिएगा तो और अच्छा लगता है। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, लहसुन डालिए और फिर मिर्ची, और ये ब्राउन होने तक रहने देंगे। और यहाँ पर ये देखिए फ्राई हो चुका है, और फाइनली मेरा ये तिवरा का भाजी, लकड़ी का भाजी तैयार हो गया है। देखने में तो बहुत ही यम्मी यम्मी दिख रहा है, और स्वाद भी वैसे अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।